ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अकीला मुसा। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सौंफ के फ़ायदे। सौंफ हर घर में मौजूद होती है, सौंफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसके फ़ायदे किस तरह ले सकते हैं जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सौंफ के फ़ायदे हर इंसान के लिए अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर आती है रेसिपीज जो आप इस्तेमाल करके आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपको वेट के इशूज़ हैं, आपका बीपी ज़्यादा रहता है, या आपकी स्किन के इशूज़ हैं, गट में कोई मसले वगैरह हैं, मैदे के तजाबित वगैरह आता है, या कॉन्स्टिपेशन, तो आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ का पानी आप स्नैक टाइम इनटेक कर सकते हैं, खाली पेट ज़रा आपको मसला वगैरह कर सकता है। अगर पहले से आपको एसिडिटीज़ है तो आपने कोई मील इनटेक नहीं किया, उसके वजह से और मसले हो सकते हैं। तो अगर आप सौंफ का पानी पीना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं। एक गिलास पानी लें, उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लें, उसके अंदर सिर्फ आपने एक टेबल स्पून डालकर स्टीम पर रख देना, उसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ये सेपरेट सौंफ का पानी बन जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर आप एक्स्ट्रा वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, आपको ग्रीन टी नहीं पसंद, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, हम वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिससे हमारा वज़न जल्दी रिड्यूस हो, तो मैं उनको ये रेसिपी ज़रूर बताती हूँ। पेपर मिंट टी बोल सकते हैं या वेट लूज़ टी बोल सकते हैं। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो चाय छोड़ने के बजाय आप इस टी को इनटेक करें। चाय से तो आपका वेट गेन होगा, क्योंकि एक आप तो खाने के साथ इनटेक कर लेते हैं, और जब भी चाय पियेंगे दूध पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। दूध पत्ती के साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज आ जाती है। अगर आपने चाय पीनी है या टी पीनी है तो आप ये पेपर मिंट टी जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर मिंट टी की रेसिपीज को आप फॉलो कर लें, या आप स्नैक टाइम इनटेक कर सकते हैं। स्नैक टाइम आते हैं 11 से 12 के बीच में, 4 से 5 के बीच में। इस टाइम में आप इनटेक करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। रेसिपी इसकी यह है कि आपने एक गिलास पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेना, उसके अंदर पेपर मिंट आपने मिंट ऐड करने हैं, 3 लीव ऐड करने हैं, उसके अंदर इलायची एक ऐड करनी है, 1 चम्मच सौंफ डाल के अच्छे तरीके से उसे दम पर रख देना। पकाना बिल्कुल नहीं है, पकाना आप बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग उसे पकाते बहुत ज़्यादा कलर आ जाए। आपने उसका कलर नहीं लेना, आपने उसके न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जो इजीली आप इनटेक कर सकें। वो पानी को पी लें, उसके अंदर आपने हनी और कोई भी शुगर या स्टीविया वगैरह ऐड नहीं करनी, आपने ऐसे सिंपल पीना है, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। समटाइम मैं खुद भी इनटेक कर रही होती हूँ, पेशेंट को भी रिकमेंड करती हूँ। अगर आपके मैदे के जो इशूज़ वगैरह हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। काफ़ी पेशेंट इस वीडियो को देख कर वो ये जानते होंगे कि उनको कितने ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आप भी फ़ायदा चाहते हैं तो आप ये वीडियो को फॉलो करिएगा, इन चीज़ों को फॉलो करिएगा, इससे आप वज़न भी कम कर सकते हैं। अगर तजाबियत या सांस के मसले वगैरह होते हैं तो इसके लिए ये पेपर मिंटी रेसिपी बहुत अच्छी है। सौंफ इसके अंदर आ गया, सौंफ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप इसका वज़न भी रिड्यूस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई और इश्यूज़ वगैरह हैं तो आप किसी जीपी के पास जाके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। अगर मैदे के ज़्यादा तजाबे या मैदे में पेन वगैरह होना या मैदे के ऊपर स्वेलिंग होना, वो अलग है, ये रेसिपीज अलग है। तो सौंफ से आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करके। थैंक यू सो मच।